मेहर में वन विभाग की जमीन पर आदिवासियों के पुश्तैनी निवासियों की झोपड़ियों को हटाने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आदिवासियों ने इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग की है कि तहसीलदार से वनाधिकारी के तहत पट्टे दिलाए जाएं। ग्रामीणों की मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। मेहर के बदेरा में वन विभाग की जमीन पर आदिवासियों की झोपड़ियां बनी हुई हैं, जिन्हें वन विभाग ने हटाने का नोटिस दिया है। इसके बाद से आदिवासी समाज के इन लोगों ने इसका विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि सभी निवासियों को वनाधिकार के तहत पट्टे दिलाए जाए। ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों ने बताया कि हमारे पूर्वज इसी वन विभाग की जमीन में रहते थे और यही हमारी कुलदेवी खेर माता मौजूद हैं। आज हम लोग भी अपने पूर्वजों के स्थान पर ही रह रहे हैं। अगर इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई या हमारी झोपड़ियों को हटा दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि ये जिस जमीन पे मकान बनाकर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, बल्कि तीसरी पीढ़ी के हैं ये, ऐसा बताया इन्हें। लेकिन इनको वन विभाग द्वारा हटाने का नोटिस दिया गया है, और जबकि इनकी मांग है कि इन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा प्रदाय किया जाए, तो इनके जो ज्ञापन का है इसका परीक्षण करके हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। 10-20 पीढ़ी हो गई, खुद हम कहते हैं कि तुम हटा लो और नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे ऊपर डेला उठवा देंगे, मरैया तोड़ फोड़ डालेंगे। और शासन यही रहे हैं कि अब देखते हैं जैसे जहां होगा, अगर सब साहब लोग अगर मीटिंग करेंगे, जैसा करेंगे तैसा होगा। ये तीनों वहां पे वन विभाग की जमीन पे मड़ैया बना करके बरसों पहले रहते थे। अब 1984 के आसपास जो है एक वहां पे नाला है, जिंदा नाला जो 12 महीने चलता है। इनका पूरा परिवार 51 लोग हैं, ये 51 परिवार हैं और वो सब प्रताड़ित हैं। उनके चाहिए, भूमिहीन भी हैं, इनको चाहिए कि उन्हें जो है वन अधिकार पट्टा दिया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।